कहता वोटर की टीम आज पहुंची है कुरवई विधानसभा और यहां के लोगों से हम जानेंगे कि क्या चुनावी हालचाल हैं, क्योंकि कुरवई में लगातार पिछली चार बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं और अभी तक कुरवई का कितना विकास हुआ है अगर बात करें तो कुरवई आज एक छोटी सी तहसील है, मगर इसके पहले कुरवई एक स्टेट हुआ करती थी। यहां के लोगों से जानेंगे कि कितना काम हुआ है कुरवई में, तो चलिए हमारे साथ। क्या है आपका काम में, धंधा कैसा है? बढ़िया चल रहा हूँ। बढ़िया, सरकारें सुनती हैं, पर विधायक है, कुछ काम वाम होते करते नहीं करते? काम विधायक सब कर रहे हैं। अच्छा, विधायक लोग कर रहे हैं और सब लोग। किस तरह का काम? अब जो हाथ होते की राशि से लगा दे ठिकान और कहा है। हम फुल्की का ठेला लगाते हैं। अच्छा, रोजगार के लिए क्या अवसर है, कहाँ जाना पड़ता है? यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। इसके अलावा कहीं शहर में जाना हो तो? नहीं, शहर नहीं जाते, गाँव में चले जाते हैं ठेला ले। रोजगार में ऐसा ही है साहब, काम चलाओ भाई, काम चलाओ, काम चलाओ, रोजगार है। तो वो यहाँ पर जो युवा हैं वो लोग क्या मजदूरी करते ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर मजदूर लोग ज़्यादा। अच्छा, और बड़ी कुछ कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है पर? फैक्ट्री नहीं है कोई, नहीं है। नहीं। चाहिए कि कुछ ऐसी बड़े रोजगार हों? हाँ, रोजगार के अवसर होना चाहिए युवाओं के लिए, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी होना चाहिए जी, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत तेज आई पे। जी हाँ, बच्चे पढ़ाई के लिए? फिर भाई के लिए मजदूर कहाँ से पढ़ा पाएगा, थोड़ा अमीर है वो तो पढ़ा सकता है, तंगे तो सही में गरीब नहीं पढ़ा सकता सर, नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए थोड़ी राहत मिलना चाहिए सरकार से, कानून से, थोड़ी सब्सिडी मिलना चाहिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। बेरोजगार है जी। काम धंधे के लिए क्या लग रहा है कि सरकार से क्या है या विधायक आपकी कोई मदद करते हैं? तो अभी तो हाल फिलहाल में कुछ मदद नहीं करते हैं, पर करेंगे तो दिखेगा सबको, जनता को भी। बारिश होती है तो फिर यहाँ यात्री वगैरह कहाँ बैठते होंगे? तो चाला है। बड़ा ही है, 300-400 लोग बन जाएंगे। बन जाते हैं, बारिश में कोई दिक्कत नहीं? बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस स्टैंड में पीने के पानी की दिक्कत है? नहीं, पानी तो बढ़िया है हैंड पंप के हिसाब से जी। फिर पीने के नल होना चाहिए? नहीं नहीं, लेकिन वो पूरी बस स्टैंड व्यापार रही सर। अच्छा जी, फिर भी एक वैकल्पिक नल होना चाहिए, मतलब सरकारी नल है तो सरकारी है ना जी? नहीं, पीने का साफ पानी टंकी से? वो भी टंकी वाला भी नल योजना है यहाँ पे जी। कहाँ पर? टोटी लग रही है। अच्छा, टोटी लग रही है, के पीछे है। ठीक है, ये दोनों तीनों व्यवस्था बता रही, क्योंकि इसके पीछे ही यहाँ की परिषद का जो हॉल है वो है और यहीं पर जो है पार्षद बैठते हैं। कांग्रेस की परिषद अभी बताई जा रही है। काम को लेकर लोग बोल रहे हैं कि काम भी हो रहे हैं, मगर मौजूदा हालात हमें जो नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं गंदगी भी है और खुले में भी है। कुरवाई विकास के मामले में पिछले 15-20 साल में जो प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लें, अपन ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को लेकर के देख लें, बीना कुरवाई रोड को लेकर के देख लें, 2003 में नहीं है पर रोजगार, रोजगार है ना, सही ना भाई, बीड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कृषि का क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ जो है आपको लगता है रोजगार है यहाँ पर? कुछ नहीं है साहब, रोजगार वगैरह सब फालतू घूम रहे हैं, जैसे आज साइड गुमटी रखे थे वो भी हट गई, फालतू घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है कुरवाई में, देख लो। तो आपको लग रहा है रोजगार? कुछ नहीं है रोजगार भाई, सब तोले बिड़ी की फैक्ट्री है, बिड़ी की फैक्ट्री का होता, कोई भी रोजगार नहीं, सब बेरोजगार है, हाथ पाँव से मोहताज है। साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो होती है, अस्पताल में थोड़ी दिक्कत है, सोनोग्राफी वगैरह नहीं है और एक्सरे वगैरह सही नहीं होते। अच्छा, हाँ, 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 सोनोग्राफी की दिक्कत, कमियां उन्हीं को बात कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं, थोड़े बहुत बस और। अच्छा, सुनते सुनते ही नहीं है। हाँ, अभी मैं एक बार पापा को लगा के लाया था मेरे, तो सुनी ही नहीं है मेरी, डायरेक्ट ये बोल दी विधि से ले जाओ। अच्छा, ना चेकअप किया ना कुछ भी किया, मशीनें भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं किया हमने। हाँ, क्या चाहिए इलाज के लिए, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन स्टाफ जो है काम सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। अच्छा, किसी जगह ये है कि आप चप्पल उतार जाइए अंदर। अच्छा जी, ठीक, अच्छी बात है, जाना चाहिए।
लेकिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं, अगर कोई ड्रेसिंग वगैरह कराएगा पूरा अभी 5 मिनट रुपया डॉक्टर की कमी है तो तकरीबन है, घर पर लाके देखिए पैसे लेते हैं। अच्छा, सुधार होना चाहिए, सुधार होना ही चाहिए, या तो ये कि उन पर कोई साया है सारा दिन तक ताकि कभी चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं तो उनको गंसी होता होगा सेट हो जाता होगा, ये निश्चित है। ये लाइन लगे हुए हैं दवाएँ के लिए, मालूम है रखिए अपनी बात आपसे बात कर रहे हैं, मिली नहीं खड़े हुए लाइन में। आगे बढ़ते हैं मगर कुरबई पीछे जा रहा है, इसकी वजह जानते हैं कि आखिरकार कुरबई पीछे क्यों जा रहा है, क्यों डिमोशन हो रहा है। पहले कुरबई एक स्टेट हुआ करता था, आज तहसील तहसील है, कुरबई का क्यों आगे विकास नहीं है? यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे जब तक कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, युवाओं को रोजगार नहीं होगा, जब तक विकास की संभावनाएं बिल्कुल शून्य है यहाँ पे। यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उनको विकास में यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, 4 बार से बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, उद्योगों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक रिएक्शन बीजेपी की तरफ से लेते हैं, फिर आगे बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। सर, 4 बार से बीजेपी के आपके विधायक हैं, विकास को पिछड़ रहा है आपका कुरबई? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे हमारा कृषि का उत्पादन हो, चाहे हमारी मूलभूत जो हमारी आवश्यक संरचना है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पर्याप्त मात्रा में हमारे किसानों को बिजली मिल रही है, बहुत सड़कों का उत्कृष्ट निर्माण हुआ है, नहीं रोजगारी कमी है, कृषि आधारित हमारा क्षेत्र है और यहाँ की उन्नत कृषि है, अधिकांश युवा हमारा जो परंपरागत कृषि उद्योग है उसमें काम कर रहे हैं और नए जो हमारे युवा हैं वो नवाचार कर रहे हैं और कृषि के उद्योग में भी नई चीजें यहाँ आ रही हैं। कुरबई का हमने पढ़ा जो इतिहास, काफी स्टेट हुआ करता था, फिर तहसील हो गई, और भी चीजें डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पिछले 4-5 वर्षी से बीजेपी रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज देखिए रोजगार नहीं है, कोई उद्योग का साधन नहीं है, आज देखिए जो हॉस्पिटल हुआ करती थी उसका डिमोशन हो गया है ना, तो और ना ही हॉस्पिटल में महिला नर्स है, ना ही स्टाफ है, बहुत कंडीशन बहुत खराब है, कंडीशन खराब है। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, 43 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। आज आप अस्पताल में जाइए, फ्री में 46 प्रकार की जांच निःशुल्क हो रही है, दवाइयाँ निःशुल्क, सभी प्रकार की दवाइयाँ, एम्बुलेंस हमने देखी है, लोग बोल रहे हैं इलाज नहीं मिलता, एम्बुलेंस खड़ी रहती है। बिल्कुल नहीं, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन यदि गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको निश्चित ही यहाँ से रेफर करना होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है आम आदमी से। कुरबाई में हमने पिछली बार भी विधानसभा में पार्टी को उतारा था और काफी अच्छे स्तर से शुरुआत में 1000 पार हम लोग ले गए थे पार्टी को और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुद्दे रहेंगे अगर आपके आम आदमी पार्टी मैदान में आती तो? सर मुद्दे तो जैसे कि हॉस्पिटल में है, अभी चले जाओ तो कहीं भी तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल में सर, और सर गौशाला सब बंद पड़ी पूरी टोटल। कुरबई में अगर बात करें तो यात्री प्रतीक्षालय जो है उसके हालात ऐसे क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पूरा बना हुआ है, यात्री ठहरते भी हैं और ये तो मतलब कुछ झूठ फैलाते हैं। बस स्टैंड भी तो ऐसे ही खुले में लगा हुआ है? नहीं नहीं, उसका विकास हुआ है, इससे पहले विकास हुआ है। तो बस अभी हम आए जब ने बस स्टैंड पे लोगों से बात की तो पानी की व्यवस्था नहीं, हैंडपंप लगा हुआ है? नहीं, इससे पहले नगर पालिका भी पियाव की व्यवस्था करती है, हो सकता है इस बार मतलब उन्हें नहीं की हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप नगर पालिका पे बोल रहे हैं कि नगर पालिका, आप तो नगर पालिका से पार्षद है सर जी? उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं तो ये बोल रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं करी नगर पालिका? सारी व्यवस्थाएं मशीनें लगी हैं हर चौराहे पे, हर गड्ढे पे, ठंडे पानी की व्यवस्था है, और कैसी व्यवस्था चाहिए? हैंडपंप लगा हुआ है? हैंडपंप लगे हुए हैं, जो हैंडपंप की व्यवस्था वो हैंडपंप चल रहा है। अच्छा, मतलब पीने की व्यवस्था है? पीने की पूरी व्यवस्था की? नहीं व्यवस्था है, अभी पर्याप्त व्यवस्था है। आपसे जानते हैं भाई, आप आइए यहाँ पर क्या काम किया है आपकी परिषद ने? नगर परिषद द्वारा काफी काम किया गया है, अभी 1 साल हुई है दोबारा परिषद बने हुए, पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, अभी नल जल योजना भी है, लगभग सभी वार्डों में पानी पहुंच रहा है। पिछले लगातार 4 बार से यहाँ भाजपा का विधायक जीतने के बाद
किसी भी प्रकार का कहने योग्य विकास नहीं हुआ। अभी हमारे भाजपा के एक मित्र ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया, पहले वो सिविल अस्पताल हुआ करता था, जिसका इस भाजपा के शासन की वजह से डिमोशन हुआ और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कितनी शर्मनाक बात है कि जो 1954 में हमारा हर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल होता था, यहाँ सारी सुविधाएं होती थी, आज यहाँ एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। किसी महिला को प्रसूति होना हो तो उसे तत्काल विदिशा रेफर किया जाता है। कई महिलाएं प्रसूति के समय में मौत हो चुकी है। रिएक्शन ले लें, जैसे हमारे भाई ने अभी बताया कि विकास नहीं हुआ, मेरे समय में 350 पक्की डामर की सड़कें मैंने इस कुरवाई विधानसभा को दी है। एक बड़ा डैम कोठा बैराज जिसका काम अभी निरंतर चल रहा है पूरा का पूरा, 24,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी किसानों की, 4 बड़े पुल, 7 बड़े सब स्टेशन, विद्युत की जो व्यवस्था बहाल उस समय नहीं रहती थी, ये इनके 60 साल का जो शासनकाल का जो था ना, 50 साल 60 साल का जो उस समय जो बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, 7 बड़े सब स्टेशन, 132 के वी ए के, 133 के वी ए के, आप देखेंगे आज बिजली की व्यवस्था क्या हो गई। हॉस्पिटल की आप लोग बात कर रहे हैं, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ अलग है, डॉक्टर्स की कमी है, कोई ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति को आप बिठा के आप डॉक्टर बना देंगे, फिर भी आज स्टाफ पर्याप्त है, पर्याप्त दवाइयाँ हैं, मतलब 35-36 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं। विकास की बात जहाँ तक है, मंडी से विकास होता है, व्यापार चलता है, मंडी यहाँ ख़त्म कर दी। बामोरा पास में मंडी है, जो जहाँ से भी कुरवाई विधानसभा के किसान गल्ला बेचने जाते हैं, मंडी मोहरा की भी मंडी ख़त्म कर दी। ये एक स्टेडियम शिवराज जी ने 15 साल से घोषणाएं करते चले आ रहे हैं, 2 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, वो स्टेडियम भी खत्म कर दिया, और यहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही रोजगार का कोई साधन है यहाँ पर। हमारी परिषद में सबसे पहला प्रस्ताव बस स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए डाला था और हमने प्रस्ताव परिषद ने पास किया, कलेक्टर साहब ने जगह भी पास कर दी बस स्टैंड को दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए, मगर भाजपा के नेताओं को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि कांग्रेस ही कोई नई योजना या कोई नया काम करें। जरा हमारे कांग्रेस मित्र से पूछ लो, इनने स्थान तय कौन सा किया और इन्हें मध्य प्रदेश के शासन की गाइडलाइन मालूम है कि नहीं है। ये कुरवाई का भुजरिया तालाब जो ऐतिहासिक तालाब था उसको गंदा कर दिया, उसमें बस स्टैंड बनाना चाहते थे। हम लोगों ने विरोध किया और शासन की नीति है कोई भी जलाशय पूरा नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। आजकल शासन जल स्रोतों के लिए संरक्षण कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग विकास के नाम पर कुरवाई को हमेशा काम की आवश्यकता है, हुआ क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है, कितना काम आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, हमें तो आराम है, बढ़िया। गांव-गांव शराब मिल रही है, घर घर मिल रही है, और अगर जरूरत पड़े तो फोन कर दो तो जहां बैठे हो तो डिलीवरी हो जाते हैं और वहीं पियो और पड़े रहो। अच्छा। हाँ, और रेलवे तो आपने और रेलवे गेट पर डिलीवरी हो जाते हैं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं भाई, आप रोजगार को लेकर कितना आप आगे बात करते हैं और कितना यहाँ पर पिछड़ा है कुरवाई? सबसे बड़ी बात रोजगार की हालत तो देश में भी पद खाली है और यहाँ पर भी, जैसे हमारे पूर्व विधायक महोदय ने खुद ने एक्सेप्ट करा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, मतलब पद खाली हैं, ये वो मानते हैं। तो भाई, युवाओं की मांग भी यही है ना कि उन पदों को भरा जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ होंगी।